भारत के साउथ वेस्ट से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है श्रीलंका। वहीं हमारे अपने ही देश का हिस्सा अंडमान और निकोबार आइलैंड मेनलैंड से 1300 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। श्रीलंका और भारत वो देश हैं जिनमें काफी सिमिलैरिटीज हैं। श्रीलंका में एक बड़ी आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। यह बौद्ध धर्म भारत से यहां पहुंचा था। रामायण जैसे ग्रंथों में लंका का जिक्र मिलता है, जो कि कहा जाता है कि श्रीलंका ही हुआ करता था। आज श्रीलंका में तमिल बोलने वाले लोग भी रहते हैं, जो कि इंडिया से ही माइग्रेट हुए थे। इतनी सारी सिमिलरिटीज हैं दोनों देशों में, लेकिन फिर भी दोस्तों श्रीलंका हमारे देश का हिस्सा नहीं है। अब सवाल आता है कि श्रीलंका भारत का पार्ट है क्यों नहीं, और क्या कभी ये भारत का हिस्सा था? आज मैं यही आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए तो श्रीलंका और भारत का इतिहास आपस में काफी जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच का रिलेशन 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। शुरुआत से शुरू करें तो श्रीलंका में वेद्दा नाम की एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। यह यहां की सबसे पुरानी ट्राइब मानी जाती है। इस ट्राइब का रिलेशन भारत की मुंडा भाषा बोलने वाली संथाल और जुआंग ट्राइब से है, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। ऐसे ही इनके डीएनए में इरूला, पनिया और पल्लार ट्राइब के भी सबूत मिलते हैं, जो कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की ट्राइब्स हैं। ऐसे ही माना जाता है कि इंडो आर्यंस का मूवमेंट भी यहाँ पर हुआ था, जिसमें इन लोगों ने साल 2000 से 1500 BC के आसपास सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया की तरफ बढ़ना शुरू किया था। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में उल्लेख मिलता है कि आगे चलकर 500 BC के आसपास बंगाल के वंगा नाम की जगह से राजकुमार विजय ने अपने 700 लोगों के साथ श्रीलंका की ओर प्रस्थान किया और वहीं पर बस गए। बुद्धिस्ट ग्रंथ दीपवंश और महावंश में इसका जिक्र मिलता है और माना जाता है कि विजय ही श्रीलंका के पहले सिंघली राजा थे। सिंघली लोग इंडो आर्यंस और श्रीलंका के नेटिव लोगों के मिलने से अस्तित्व में आए थे। आज के टाइम पर सिंघली भाषा बोलने वाली ये पॉपुलेशन श्रीलंका की सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है। इसके बाद 300 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया से बड़े पैमाने पर लोग श्रीलंका गए। ये लोग द्रविड़ लैंग्वेजेस बोलते थे, जिनमें तमिल लैंग्वेज मेन थी। आज श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न हिस्से में ये तमिल पॉपुलेशन रहती है। तमिल लोग पूरे श्रीलंका की आबादी का 15% है। अब दोस्तों बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग श्रीलंका में आज सबसे ज्यादा है, और ये बौद्ध धर्म भी इंडिया से ही श्रीलंका में गया था। दीपवंश बताता है कि 4वीं सदी ईसा पूर्व में अशोक के पुत्र महेंद्र ने यहां पर बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। महेंद्र के ही टाइम पर एक बोधि वृक्ष यहां पर लाया गया था और मठों और बौद्ध स्मारकों को इस टाइम पर बनाया गया। आज श्रीलंका की 70% आबादी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कनेक्शन की जर्नी लेकिन यहीं पर नहीं रुकती। मध्यकाल में श्रीलंका पर चोल राजाओं ने भी रूल किया। चोलों के महान राजा राजराज चोल और राजेंद्र चोल ने श्रीलंका के अनुराधापुरम को हराया और यहां पर कब्जा कर लिया। चोलों के बाद यहां पर पांड्य वंश ने भी रूल किया। उनके ही टाइम पर 10वीं और 13वीं सदी के बीच कई तमिल बोलने वाले लोग श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट के हिस्से में बस गए। इसीलिए आज तमिल बोलने वाले कई लोग श्रीलंका की आबादी का हिस्सा हैं। इन लोगों के आने से कल्चरल एक्सचेंज हुआ, उससे श्रीलंका का खान पान और यहाँ के कई रीति रिवाज भी भारत जैसे हो गए। लेकिन दोस्तों फिर एक ऐसा टाइम भी आया जब इन सारी समानताओं और कनेक्शन के बावजूद भारत और श्रीलंका एक दूसरे से दूर होते चले गए। जब भारत में मुस्लिम रूलर्स का शासन आया, तब कोई भी राजा भारत के बिल्कुल साउथ तक नहीं पहुंच पाया। और जब आप साउथ इंडिया के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो श्रीलंका तक कोई भी कैसे पहुंच पाएगा? इस टाइम पर यहाँ जाफना जैसे किंगडम इस्टेब्लिश हुए श्रीलंका में, और लोकल रूलर्स यहाँ पर लंबे टाइम तक रूल करते रहे, जब तक अंग्रेजों का शासन स्थापित नहीं हुआ तब तक। जब यूरोपियन कंपनियां भारत को जीतने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि डच, पुर्तगीज और ब्रिटिश, तब श्रीलंका पर भी इन कंपनीज की नज़र थी। आगे चलकर जैसे भारत में फ्रांस और पुर्तगाल को हराकर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, वैसे ही श्रीलंका पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दोनों ही देशों में रेलवे और खेती को लेकर अंग्रेजों ने काम किया। इस तरह अंग्रेजों के टाइम पर भी दोनों देशों के बीच कनेक्शन और सिमिलैरिटी थी। लेकिन अब सवाल आता है दोस्तों कि फिर भी हमारे देश में श्रीलंका शामिल क्यों नहीं हुआ?
दोस्तों श्रीलंका भारत के बाद आज़ाद हुआ था 1948 में, लेकिन उसके भारत में शामिल ना होने के कई छोटे और बड़े कारण हैं। इसमें पहला कारण तो यह है कि श्रीलंका अपने पूरे इतिहास में ज़्यादातर एक आज़ाद टेरिटरी रहा। चोल और पांड्य राजाओं ने भले ही यहाँ पर रूल किया हो, लेकिन इसके अलावा लंबे टाइम तक श्रीलंका में लोकल राजाओं का ही शासन रहा। यही नहीं, चोल और पांड्य राजा भी श्रीलंका पर डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, बल्कि यहाँ पर जो सिंघली लोग थे, जो लोकल राजा हुआ करते थे, उनके पास कंट्रोल हुआ करता था और वो चोल राजाओं के अंदर आकर काम करते थे। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो की शुरुआत में जिन राजा विजय के बारे में बताया था, जो कि सिंघली राजाओं के पहले रूलर थे, वो भी बाहर से आकर यहीं पर बस गए थे। फिर उनका भारत से कोई कनेक्शन बहुत बड़ा था नहीं, इसलिए उनका वंश भी लंबे समय तक इंडिपेंडेंट ही रहा। बौद्ध धर्म के रिचुअल्स भी श्रीलंका के हिसाब से श्रीलंका में डेवलप हुए, जैसे कि यहाँ पर दीपवंश और महावंश लिखे गए, जो कि श्रीलंका के अपने डेवलप किए हुए ग्रंथ थे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, ये भारत में डेवलप नहीं हुए थे। जब अंग्रेज श्रीलंका पर कब्जा कर चुके थे तो उन्होंने भी भारत और श्रीलंका को अलग अलग रूल किया था, यानी कि ब्रिटिश सरकार भारत में दूसरी थी और श्रीलंका में दूसरी थी, मतलब वो भी दोनों देश को अलग मानते थे। अब आप खुद सोचिए कि अंग्रेजों के चंगुल से निकलकर एक आज़ाद देश किसी दूसरे देश के साथ क्यों मिलेगा भला। सबसे बड़ी बात है कि श्रीलंका की बड़ी आबादी सिंघली है, जो कि इंडो आर्यन और श्रीलंका के लोगों से मिलकर बनी है। वो आबादी भारत की आबादी से अलग है, ये श्रीलंका की लोकल आबादी है जिनके अलग कस्टम्स हैं और अलग तौर तरीके हैं। यहाँ दोस्तों एक बात और है ध्यान देने वाली, जब भारत में आज़ादी की बात आई तो 563 रियासतें थीं जिन्हें भारत में मिलाना था। इनमें से कई रियासतें ऐसी थी जो भारत में मिलना भी नहीं चाहती थी, जैसे कि जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत। कुछ रियासतों और जगहों को मिलाने में कई साल लग गए, जैसे कि गोवा को मिलाने में 16 साल और त्रिपुरा जैसी रियासतें। ये तब था जब इन सारी जगहों पर एक ही ब्रिटिश सरकार रूल करती थी। वहीं पर ये सोच लेना कि एक अलग देश जिसे एक दूसरी सरकार रूल करती है वो भारत के साथ भारत में विलय कर लेगी, ये अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। इन्हीं वजहों से म्यांमार और भूटान भी भारत का हिस्सा नहीं बन पाए थे। तो दोस्तों ये थी वो वजह जिससे पता चलता है कि भारत का हिस्सा श्रीलंका क्यों नहीं बन पाया। इतनी सारी समानताओं और इतने कनेक्शंस होने के बावजूद आज श्रीलंका एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है। तो दोस्तों ये थी कहानी श्रीलंका के भारत में ना मिलने की। आपको कहानी कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों से, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।